हंस किचन व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ पिज्जे की रेसिपी शेयर करूंगी और हम उसकी जो डो बनाएंगे वो एक प्रोफेशनल पिज्जे की डो होगी। हमारा अपना पिज्जा है, उसकी ये रेसिपी है डो की और आपको बहुत पसंद आएगी। मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि उसके अंदर हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है। एक अदद हमने अंडा लिया है, उसको हमने फेंट लिया है। साथ हमने शुगर ली है 2 टीस्पून और साथ में हमने फ्रेश वेफर लिया है 1/2 पैकेट। और आप इसमें ईस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ईस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपने 2 टेबलस्पून आपने ईस्ट लेना है। और साथ में हमने नमक लिया है 5 टीस्पून, 1 किलो में 3 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और अगर 1.5 किलो है तो उसमें 5। ये परफेक्ट, बहुत ही अच्छी नमक की ये टिप है कि आपका परफेक्ट नमक होगा। और साथ में हमने बटर लिया है, उसको हमने मेल्ट कर लिया है, 80 ग्राम हमने बटर लिया है। और साथ में हमने दूध लिया है 120 मिलीलीटर, इसको मैंने कप में डाला था, ये हमारा चाय वाला 1/2 कप बन जाता है। अगर आपके पास नहीं है मशीन करने वाला तो आप 1/2 कप डाल सकते हैं। और साथ ही हमने 1/2 कप लेना है ऑयल का। और साथ हमने लिया है मैदा इस्तेमाल करें हम, 1.5 किलो मैदा है। और इसके साथ हमने पानी लिया है 1/2 लीटर, वो हम साथ साथ डालते जाएंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है पानी डाल। मैं अपने पिज्जे की डो आज बना रही हूँ मशीन के अंदर। आप इसको आटे की तरह डोंगे में डाल के भी गूंथ सकते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट लेंगे, उसको हमने अच्छी तरह से ऐसे तोड़ के थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर भी ऐड कर देंगे, बटर ऐड करना है। बटर को आप मेल्ट करें तो अच्छा है, उससे आपके अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऑयल भी ऐड कर देते हैं और साथ में अपना दूध भी ऐड करेंगे और साथ में अंडा भी मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसको मशीन, अगर नहीं भी अवेलेबल, आप उसको अपने बर्तन में डोंगे में डाल के हर चीज़ इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर हम मैदा डालते हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, आटा हम भी ऐड करेंगे और साथ साथ हम ये ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा अच्छे से आटा तैयार हो। हम इसको अच्छे से घोटेंगे, साथ साथ हमें अगर आटा डालना पड़े पानी वो सारे हम चेक करते रहेंगे। थोड़ा सा हमारा आटा मिक्स हो गया, अब हम इसके अंदर अपना थोड़ा सा और ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और थोड़ा सा आटा और ऐड करेंगे, मैदा अपना। दोबारा से हम इसको चलाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह का हमारा आटा हुआ है। हमने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी डाला है, लेकिन ये थोड़ी सी मशक्कत लग रही है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करके इसको दोबारा चलाएंगे। आपने ध्यान रखना है आपके पिज्जे की जो डो है वो थोड़ी नरम नरम होनी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी हमारी पिज्जे की डो तैयार हो गई है, हम उसको निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए व्यूअर्स, हमारी डो अच्छी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत नरम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, हम इसको छोड़ देंगे तब तक ये हमारे पिज्जे के लिए तैयार हो जाएगी। फिर हम आपको पिज्ज़ा बनाना दिखाएंगे कैसे। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारी आटे की डो हमारी पिज्ज़े की तैयार हो गई है, अब हमने पिज़्ज़ा बनाना है। उसके लिए भी हमने अपनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। उसके लिए हमने टमाटर सॉस लिया है 1 कप, साथ में हमने ओनियन लिए हैं, प्याज ले लिए, ये जो पर्पल होते हैं ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं पिज्जे में लगते हैं। साथ में हमने रेड पेपरिका लिए, साथ में हमने ब्रोकोली लिए और साथ हमने स्वीट माइस लिए और हम साथ लेंगे 1 पैकेट हमने लिया है टोनफिश का और साथ में हमने अनानास लिया है। अनानास बहुत टेस्टी लगता है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में मैंने पेड़ा, हमारी डो बन गई थी, हमने पेड़ा बना के रख लिया है। और फिर साथ में हमने चीज़ लिए, चीज़ हम आपको बताएंगे हमने कब कब और कहाँ कहाँ डालनी है। अभी मैंने हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने आटा बहुत ही ज़्यादा हमने नरम गूंदा था, देखिए थोड़ा सा हाथ हमने मारा है तो हमारी रोटी बड़ी होनी शुरू हो गई है।
अगर आप आटा सख्त रखेंगे तो आपसे अच्छे से आटा पेड़ा जो आपको बेलना नहीं आएगा। देखिए हमारे आराम से हम हाथ से भी इसको बचाएँ तो बड़ा कर सकते हैं। जो असल जो पिज़्ज़े की रेसिपी होती है जो रेस्टोरेंट वगैरह में बनता है वो ज़्यादातर ऐसे हाथ से बड़ा करते हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा बेलन से बना कर दिखाएँगे। कितनी जल्दी से कितनी आसानी से हमारा पिज़्ज़ा बना हो गया। ओवन को ओपन नीचे से ऑन करना है और साथ में हमने हीट इसकी फुल हमने 250 पे की है, और जब तक हम पिज़्ज़ा बनाते हैं हमारा ओवन गर्म हो जाएगा। अब हम अपनी ब्रश के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे हमारा नीचे से पिज़्ज़ा अच्छा पकेगा। अब हमने अपनी रोटी बना के रख ली इसके अंदर, अब हम इसको कांटे के साथ थोड़ा थोड़ा। ओके व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा तैयार हो गया है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनाए। अभी हम इसको कट करके दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनाए। और हमने इसकी कटिंग भी कर ली है, हमने इसके ऊपर वेजिटेबल ऐड किए हैं, टून फिश ऐड की है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। आप चिकन का पिज़्ज़ा बनाने की अगर आपको रेसिपी चाहिए वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, उसमें अपलोड करूंगी अपने चैनल में, आप ज़रूर देखिएगा। और हम आपको दिखाते हैं हमारी पिज़्ज़ा में कैसे चक रही है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार, बहुत खस्ता और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है, इससे बहुत अच्छा हमारा पिज़्ज़ा पका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहन को दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।